बिहार के सीतामढ़ी जिले में आज सुबह पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ये हमला शराब माफिया ने किया, जिसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। इस घटना में एक अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नाम दिनेश राम है और घायल पुलिसकर्मी का नाम लाल बाबू पासवान है। दोनों पुलिसकर्मी की सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना में पोस्टिंग थी। घटना मेजरगंज थाने के कुआरी मदन गांव की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार सुबह पुलिस की टीम कुआरी गांव छापेमारी करने पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली कि गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जहां दबिश देने पुलिस का एक दस्ता पहुंचा था। पुलिस की टीम जैसे ही गांव पर पहुंची, शराब माफिया ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एसआई दिनेश राम और चौकीदार लाल बाबू पासवान को गोली लग गई। आनन फानन में दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिनेश शर्मा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि चौकीदार लाल बाबू पासवान का इलाज चल रहा है। फिलहाल चौकीदार की हालत भी गंभीर बनी हुई है। शराब माफिया के साथ मुठभेड़ के इस खबर से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। घटना के तुरंत बाद पुलिस के आला अधिकारी गांव पर पहुंचे और शराब माफिया से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक शराब कारोबारी रंजन सिंह भी मारा गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया है। अपराध कर्मी और शराब के केस में पूर्व से वांटेड था रंजन, अपने घर पर आया हुआ है। उसमें पुलिस पदाधिकारी और कॉन्स्टेबल एक सौ के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे दो कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक सौ लाल बाबू को, दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है। सर, कारोबारी की भी मौत हुई है, इसमें जवाबी कार्रवाई में कोई जख्मी? अभी पूर्व सूचना है, वहाँ इस सदर गए हैं, सूचना मिलने